वर्ड्स इंट्रोड्यूस्ड लाइनिक्स इन 1991, 1991 में डेवलप किया था टोर वार्ड ने लाइनेक्स को वी एडिटर इज वन ऑफ द फेमस लाइनेक्स डेवलप्ड बाय बिल जॉय ने डेवलप किया था वी एडिटर को इसका आंसर होगा बिल जोए वी आई स्टैंड फॉर विजुअल एडिटर वी का फुल फॉर्म होता है शेल इन लाइन एक्स वर्क्स एज तो शेल किस तरह से वर्क करता है लाइन एक्स में सी एल आई कमांड लाइन इंटरफेस इन ऑर्डर टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू एन अदर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज तो सी पी कमांड का यूज किया जाता है कंटेंट को कॉपी करने के लिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी एल आई है और यहाँ पर सी पी लाइन एक्स इज इक्वलेंट टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स किसके इक्विवेलेंट है तो लाइनेक्स यूनिक्स के इक्विवेलेंट होता है क्योंकि यूनिक्स से ही डेवलप हुआ है विच की इज यूज टू मूव फ्रॉम कमांड मोड फ्रॉम इंसर्ट मोड इन किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों तो यहाँ पर ई एस की का इस्तेमाल किया जाता है टू मूव इंटू कमांड मोड फ्रॉम इंसर्ट मोड दिस की इज यूज किस की का इस्तेमाल किया जाता है तो यहां पर भी स्केप की ही का इस्तेमाल किया जाता है टी ओ टू मूव इंटू एक्स मोड फ्रॉम कमांड फ्रॉम कमांड मोड दिस की इज यूज यहां पर फ्रॉम होगा फ्रॉम दिस की इज यूज किस की का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों तो यहां पर कोलन का इस्तेमाल किया जाता है टू कॉपी द कंटेंट्स वन फाइल टू एनदर दिस कमांड इज यूज तो सीपी कमांड का यूज किया जाता है अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सेवरल कमांड्स कैन बी गिवेन ऑन सिंगल कमांड लाइन बाय यूजिंग सेमी सेमी कॉलन सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर हम कई कमांड एक साथ दे सकते हैं जी यू आई का फुल फॉर्म तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस जी यू आई का फुल फॉर्म होता है वट इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो किसको कहा जाता है कर्नल को कर्नेल कोर माना जाता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट होना चाहिए हमेशा एक अल्फाबेट से स्टार्ट होता है यूज फॉर तो बच्चों ये स्ट्रिंग डेटा टाइप को बताता है स्ट्रिंग डेटा टाइप नॉट इक्वल ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है रिलेशन बताता है दो चीज के बीच में विच फाइल इज यूज फॉर स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ बच्चों कौन आयो डॉट एच और एस डी आयो डॉट एच दोनों को इस्तेमाल किया जाता है इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा विच ऑफ देम इज नॉट अ लूपिंग स्टेटमेंट बच्चों फॉर वाइल और डू वाइल ये लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं जबकि इफ कंडीशन को बताता है डबल डायमेंशनल एरे इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉर्म जो डबल डायमेंशनल एरे है वो किसका कलेक्शन होता है तो बच्चों ये टेबल का कनेक्शन कलेक्शन होता है रो और कॉलम दोनों होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट यहाँ पे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट इनमें से कोई भी नहीं नन ऑफ आंसर नहींक्टर मतलब सिंगल एक अल्फाबेट जैसे ए या बी इफ एक्स इज एन इंटीजर वेरिएबल एंड एक्स इक्वल एक्स इज इक्वल टू पॉइंट फाइव दिया हुआ है विल रिटर्न अ वैल्यू देखिए इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो ये केवल टू को रिटर्न करेगा करेक्ट आंसर दो होगा द मैक्सिमम विथ ऑफ सी वेरिएबल सी वेरिएबल का जो विथ होती है मैक्सिमम वो एट करेक्टर होती है फंक्शंस विच आर कंपाइल्ड इन टू ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स आर नोन एज उस फंक्शन को क्या कहा जाता है लाइब्रेरी फंक्शन जो पहले से कंप्यूटर के अंदर पड़े होते बने हुए हैं। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता, होता है वो वाइड होता है इसीलिए हम लोग वाइड मेन का यूज करते हैं अ यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी कॉल्ड मोर देन थ्री टाइम्स यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जाता है किया जा सकता है लैंग्वेज यूज टू डिजाइन वेब पेज वेब पेज को डिजाइन करने के लिए बच्चों हम लोग एच का इस्तेमाल करते हैं द वैल्यू पासड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन इज नोन एज जो वैल्यू पास की जाती है उसको कहते हैं आर्गूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट फॉर सेव ऑपरेशन तो कंट्रोल प्लस एस से हम सेव करते हैं